हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम टॉपिक देखेंगे वो है हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान, क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो शुरुआत करते हैं हिल एरिया डेवलपमेंट। नाम से ही पता चल रहा है यार, हिल एरिया डेवलपमेंट मतलब भारत में जितने भी हिली रीजन है उन हिली रीजन के डेवलपमेंट की बात है। जो एरिया हिली एरिया जो पिछड़े हुए हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये प्लान है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान। अब पूछोगे सर हिल एरिया कहाँ पे? अगर भारत में आप देखो तो हिली एरिया कौन कौन से हैं, आपको पता ही होगा हिली एरिया कौन कौन से हैं। मैप में अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है हिमालय माउंटेन है, और यहाँ पर हिली स्टेट्स की बात करें तो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इधर सिक्किम हो गया आपका, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपके स्टेट हैं ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये सारे हिली स्टेट हैं। तो इन हिली स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान चलाया जा रहा है दैट इज हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान। बाद में हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे भरमौर रीजन की, भरमौर आपको पता है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में पढ़ेंगे। मगर यहाँ पर हम बेसिक समझेंगे। अब यार हिली एरिया में आपको पता होगा कुछ समस्याएं रहती हैं, जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो आप सबको पता है नॉर्थ में यहाँ पे क्या है, हिमालय माउंटेन है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। आप सबको पता है यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, इवन यहाँ स्नोफॉल भी होती है। क्या होती है? स्नोफॉल होती है। प्लस यहाँ पे रोड बनाना बड़ा डिफिकल्ट है ऐसे एरिया में, है ना, कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा सही नहीं रहता है यहाँ पर। प्लस यहाँ पे आप नॉर्मल एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते, जमीन प्लेन नहीं रहती है, टोपोग्राफी ऐसी है इनकी, उबड़ खाबड़ टोपोग्राफी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपेरेटिवली बाकी स्टेट की तुलना में थोड़े से बैकवर्ड हो जाते हैं, और कुछ एरिया तो उनमें बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखो तो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम दैट इज टूरिज्म, जो सोर्स ऑफ इनकम यहां पे मेन जो होता है वो क्या होता है, टूरिज्म होता है। तो टूरिज्म के सहारे इनकी बंसी बसती है, टूरिज्म एक मेन सोर्स होता है इनका इनकम का। इसके अलावा आपको पता है यहां पे फॉरेस्ट होते हैं, तो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को बेच के भी ये काम चला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस खराब है, तो इसी चीज़ को ध्यान रखने के लिए आप सबको अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग की बेटा एक चीज़ आपको याद रखनी है, प्लानिंग के लिए भारत सरकार ने 1950 में बना दिया था प्लानिंग कमीशन। आप सबको पता है प्लानिंग कमीशन बनाया गया था जो बनाता था 5 ईयर प्लान्स। क्या बनाता था? 5 ईयर प्लान्स। आप सबको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच में चला था, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 के बीच में चला था, यू ऑल नो वेरी वेल, और थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 के बीच में चला था। फिर आपको पता है एनुअल प्लान्स बनाए गए थे। तो 5 ईयर प्लान के तहत हमने प्लानिंग करना स्टार्ट किया था और देश के लिए प्लान करना स्टार्ट किया था। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान ये कौन से 5 ईयर प्लान के तहत स्टार्ट किया गया था? 5th 5 ईयर प्लान के तहत। और 5th 5 ईयर प्लान कब चला था? 1974 से लेकर 1978। अब यार ये कौन सा समय है? आप सबको पता है 1978 में भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, है ना, और 1977 में सरकार भी बदल जाती है, उस समय कौन आ जाते हैं? मोरारजी देसाई जी आ जाते हैं। तो ये वो टाइम है। प्लस आपको ये भी याद रखना है ये वो टाइम है जब 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी थी, आई एम श्योर यू ऑल नो वेरी वेल। अब मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि इंडिया में जो नेशनल इमरजेंसी है कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है, नंबर एक। नंबर दो ये बताना है कि किस डेट को इमरजेंसी लगाई गई थी, और नंबर तीन एक और बता देना उस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे। तीन चीजें आपको कमेंट करके बतानी है एंड आई एम श्योर यू विल डू डेट, ठीक है। तो ये जो 5 ईयर प्लान है पहला ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से 5 ईयर प्लान के, हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान जो है 5th 5 ईयर प्लान के तहत चलाया गया था। तो इसके अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था। कौन कौन से 15 डिस्ट्रिक्ट हैं? अभी मैंने आपको बताया था हिली स्टेट्स इंडिया के, उन हिली स्टेट्स का याद रखना, मैप में थोड़ा सा याद रखोगे और आसान हो जाएगा ना। तो हिली स्टेट्स में नंबर एक ऑल द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रेजेंट उत्तराखंड। अब देखो उत्तर प्रदेश यार ये 1974 से 78 की बात है, और आपको पता है उत्तराखंड कब बना था? 2000 में उत्तराखंड बनाता है ना, 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था उत्तराखंड। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो हिली स्टेट सारे के सारे जो हिली स्टेट है उत्तराखंड के वो इसमें आ जाएंगे। दूसरा मेकेर हिल्स और नॉर्थ कचार हिल्स और आसाम, यहाँ पे आसाम है, आसाम का ये रीजन, और वेस्ट बंगाल में ऊपर की साइड में दार्जिलिंग वाला एरिया है, दार्जिलिंग हिल्स, जहाँ पे चाय की खेती बहुत अच्छी होती है, और साउथ इंडिया में यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हैं। तो इसमें 15 डिस्ट्रिक्ट को इसमें यहाँ पे कवर किया गया था 5th 5 ईयर प्लान के अंडर में, ठीक है। ये हिली रीजन से देखो कैसे घर बने होते हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं देखने में ना, पर दिक्कतें भी बहुत होती हैं यार इनकी ना। तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ हिली एरिया, अब यहाँ पे यार कौन सा एरिया हिली एरिया होगा, कौन सा एरिया हिली एरिया नहीं होगा, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन क्या है, आई एम श्योर क्राइटेरिया आप समझते होंगे, कंडीशन कि किस एरिया को आप हिली एरिया कहोगे। तो पहली बात कौन डिसाइड करता है, सबसे पहले कहेंगे कौन डिसाइड करेगा भाई ये हिली एरिया है या नहीं है। तो डिसाइड करने के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया देने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। इसने 1980 में डिफाइन किया कि हिली एरिया होगा क्या। तो ये कह रहे हैं
बैकवर्ड हिली एरिया, जैसे इन्होंने मतलब हिली एरियाज को डिफाइन किया है क्या, ऑल हिली एरियाज इन द कंट्री हैविंग हाइट अबव 600 मीटर। तो इन्होंने पहली कंडीशन क्या बताई, अगर कोई एरिया हिली एरिया है तो उसकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर दो, नॉट कवर्ड अंडर द ट्राइबल सब प्लान, और वो ट्राइबल सब प्लान के अंदर नहीं आना चाहिए। दो कंडीशन रख दी, उसको ये बोलेंगे बैकवर्ड हिली एरिया। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, हिली किसी एरिया का एरिया हिली एरिया है या नहीं है, कोई एरिया उसको डिफाइन करने की जो डेफिनेशन दी थी कि ये एरिया हिली एरिया है या नहीं, ये डेफिनेशन दी थी नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया 1981 में डेफिनेशन आई थी। ये कह रहे हैं कि कोई भी एरिया बैकवर्ड हिली एरिया तब होगा, नंबर एक जब उसकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा हो, नंबर दो वो एरिया ट्राइबल सब प्लान में ना आया हो। अब यार सिंपल सी बात है, अब आप इस एरिया में डेवलपमेंट का प्लान चलाओगे और पहले से ही वहाँ पे ट्राइबल सब प्लान चल रहा है, तो फिर ये कोशिश करेंगे अगर दो दो प्लान में पैसा ना जाए तो ये इस प्लान के अंदर नहीं आना चाहिए ट्राइबल सब प्लान, और उस एरिया को हम कवर कर लेंगे ट्राइबल सॉरी हिल एरिया में कंसीडर कर लेंगे। फिर अब इस प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों चलाया जा रहा है हिली एरिया डेवलपमेंट प्लान। तो ऑब्जेक्टिव नंबर एक, लोकल रिसोर्सेज को, जो हिली एरियाज के जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको हार्नेस करना। हार्नेस का मतलब है यूज करना। अब हिली एरिया में लोकल रिसोर्स का मतलब क्या है, हिली एरिया में लोकल रिसोर्स का मतलब आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटी वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनको यूज करो, उनको मार्केट में बेचो तो ताकि लोगों की इनकम बढ़े। तो वहाँ पे जो भी लोकल रिसोर्स हैं उनको यूज करना। नंबर दो, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज बेस्ड इंडस्ट्री। तो इस एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, प्लांटेशन पे फोकस करना है, हॉर्टिकल्चर पे फोकस करना है, एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, एनिमल हस्बेंड्री एक साथ आएगी ना, यहाँ पे पशुपालन पे ध्यान देना है, फॉरेस्ट्री, पेड़ लगाने, यहाँ पे स्मॉल स्केल और विलेज बेस्ड गाँव के आधार पर जो इंडस्ट्री होती है वो उनको यहाँ पे डेवलप करना है, ताकि गाँव के लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान के बारे में बस इतना ही, बाकी सारे वीडियोज हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे। एक बुक मैं आपको बता दूँ, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है, वो हमने कंप्लीट कर ली, सारे चैप्टर सीक्वेंस से मैंने लगा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। अब ये बुक भी आपकी बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।